एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। हाँ सर, मेरी बात तो सुने, मुझे अर्जेंट है, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है सर। यार कहा ना बात कर रहे हैं, देख नहीं रहे बात कर रहे हैं। शायद यही वजूहत है जिनकी बिना पर जुर्म पुलिस जवानों की कोताहियों पर लगाए परवास कर रहा है और कानून गफलत की बैसाखियों पर रिंग रहा है। वो सर शट अप मुझे, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, सब रोजे रोशन की तरह आया है। वो लड़का कब से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए खड़ा है और तुम में से कोई भी उसकी बात सुनने के लिए आमादा नहीं? और सईद खान तुम, कम अज़ कम तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं। सॉरी सर, इस लड़के को मेरे ऑफिस में भेजो और फरा को भी। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं और मेरा दोस्त बशीर डीएसपी शफी मोहम्मद साहब के ऊपर वाले घर में रहते हैं। डीएसपी शफी मोहम्मद साहब हमारे गांव के हैं, पर जब आज सुबह मैं उठा तो लो इसका देखो, जहां भी और वहीं पड़ गया। उठ बे बशीर, उठना यार बशीर। अरे यार उठना बशीर, बशीर बशीर, बशीर मैंने अपने आप को चीखने चिल्लाने से रोककर खुद को बहुत बड़ी मुश्किल से जब्त किया। मैंने सोचा कि मैं डीएसपी साहब को इतला करूं, पर अनजाने खौफ ने मुझे रोक दिया कि कहीं मुझे ही ना फंसा दिया जाए। गुड। और फिर मैंने पुलिस को इतला देना अवलीन तरजीह समझा, ताकि मौके वारदात पे पुलिस पहुंचकर तमाम सबूतों को इकट्ठा करे और किसी सबूत को जाया ना होने दे। फरा फॉरेंसिक एक्सपर्ट को फोन करो ताकि वो जाए वारदात पर पहुंचे। ओके सर। डीएसपी साहब के घर का एड्रेस इससे ले लो और हाँ, सईद को बोलो मोबाइल निकाले। राइट सर, हमें अभी चलना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं? क्या कहना चाह रहे हैं इंस्पेक्टर? I'm sorry, मैं कुछ समझा नहीं। बजाय तो ये खुदकुशी का सीधा साधा सा केस ही मालूम हो रहा है, लेकिन इसका पस मंजर या हकीकत कुछ और ही। तुम्हें ठीक लग रहा है इंस्पेक्टर, तहय्युर और तशकीक हकायक तक रसाई में अहम तरकीबी मुहर्रिकात होते हैं। कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा क्या ख्याल है जानिश? बिल्कुल जनाब, कुछ भी मुमकिन है। हो सकता है जो तुम बता रहे हो वो सब झूठ हो और किस्सा कुछ और ही हो। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर ऐन मुमकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं ठोस सच बोल रहा हूँ। मगर दोनों सूरतों में हकीकत तक पहुँचने के लिए आप लोग मुझे डराने और धमकाने की बजाय शहादतों, सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्टों पर ध्यान दीजिए। मेरी चमकी, तुम मेरी जिंदगी का हासिल थी, मेरे जीने का मकसद, मेरी उम्मीद, मेरी आरजू, मेरी जिंदगी का हर एक ख्वाब तुमसे मंसूब था। तुम्हारे धोखे ने जिंदगी से मेरा इतबार खत्म कर दिया।
मैं तुम बिन जीने से मौत को पनाहगाह महसूस करने लगा हूँ, इस यकीन के साथ कि खुदा माफ़ करेगा। तुम भी बेशक भुला देना, तुम्हारा हो ना सका बशीर है। इस गधे ने एक लड़की के प्यार में नाकामी पर अपने ही आप को मारा। बेवकूफ कहीं का। सर ये चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मरने वाले ने अल्कोहल भी लिया। आपका क्या ख्याल है शफी मोहम्मद साहब? वैसे तो ये केस क्रिस्टल क्लियर है, खुदकुशी के सबूत तक मौजूद हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों अब भी मुझे ये सारी की सारी जाहिरी हकीकतें महज एक फरेब दिखाई दे। बिल्कुल सर आप बजा फरमा रहे हैं, पर यह भी तो हो सकता है कि आपका शक महज खाम ख्याली हो। पर मेरी बजगाना तजवीज ये है कि ये वक्त इस्तदलाल का नहीं, हमें ख्यालात की जंग से बाहर निकल कर मादी सबूतों पर ध्यान दें। जैसे कि जैसे बशीर की हैंडराइटिंग का एक और स्पेसिमन उसकी पुरानी हैंडराइटिंग से मिलाया जाए कि आया कि उसकी ये तहरीर है भी कि नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या सर? रिटायर्ड DSP के बजाय तुम मुझे क्यों क्रिमिनोलॉजी समझा रहे? सर मैं क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, बल्कि मैं ही नहीं बशीर भी क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहा है। लड़का दुरुस्त कर रहे हैं इंस्पेक्टर, ज्यादा बखेड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे तो सीधा साधा यह खुदकुशी का केस लग रहा है। देखने वालों को तो यह खुदकुशी ही लगेगी। फिर भी अगर आपको कोई शक हो तो मैं हाजिर हूँ और दानिश। थैंक यू सर फॉर कोऑपरेट। और बाकी रही बात इस लड़के की, आजकल फिल्में देख देख के लड़कों का दिमाग खराब हो गया है। हर कोई देवदास बनने की कोशिश करता है। नॉनसेंस। आइए नीचे चलिए। और हाँ सर, DSP साहब की फुल प्रूफ निगरानी होनी चाहिए होशियारी से, ताकि उनको भिनक भी ना पड़े। मगर DP साहब पर? डोंट फॉरगेट सईद खान, कानून से ऊंचा कोई भी नहीं। जब तक तफ्तीश जारी है तुम जेरे हिरासत रहो। जेरे हिरासत? मगर क्यों? आखिर मेरा जुर्म क्या है? पुलिस को इत्तला देना या उसी घर में साकिन रहना जिस घर में खुदकुशी हुई है? इस तरह तो मुझ मस्किन से ज्यादा मोहतरम DSP साहब तफ्तीश के दायरे में शामिल नजर आते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखा जाए तो जिस घर में खुदकुशी हुई है उसके मालिक मकान आप हैं, और वैसे भी चमकी और चमकी की माँ भी तो इस घर में काम करते हैं। तो क्या हुआ? क्या मतलब है तुम्हारा? आप इस तरह मुझे क्यों बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक बात का ख्याल रखिएगा, मेरी बहुत बहुत ऊपर तक है। दानिश फिलहाल तुम आजाद रह सकते, लेकिन खबरदार जब तक तफ्तीश जारी है तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। सॉरी सर, ये लड़का ठीक कह रहा है, अगर इसे हिरासत में रखते हैं तो आपको भी। फिलहाल आप भी शहर से बाहर नहीं जा सकते, चमकी और उसकी माँ के साथ साथ आप भी तफ्तीश के दायरे में शामिल। इंस्पेक्टर ये तो सादा सा खुदकुशी का केस है, जाए वकों में मिलने वाले तमाम शवाहिद और सबूत इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, फिर तुम क्यों इसको खींच के च्युंगम की तरह तूल दे रहे हो? बज़ाहिर खुदकुशी कह सकते हैं, लेकिन अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। सर आप शायद ये भूल रहे हैं, किसी क्रिमिनोलॉजिस्ट ने लिखा था, खारजी हकीकत हमेशा धोखे पर मुनसर। सर मेरे मामू का घर महमूदाबाद 4 नंबर है, अपने नंबर के साथ साथ उनका नंबर भी दर्ज करवा दो तो सही भाई। तुम अपना सामान और बोरिया बिस्तर बांध लो, हमें जगह को सील कर। ठीक है सर। सर अब मैं जा सकता हूँ? मगर मेरी कही हुई बातें याद रखना और शहर से भागने की कोशिश भी मत करना। सर अभी इत्मीनान रखें, आखिर मैं क्यों भागूं? ठीक है, तुम अपना सामान उठा लो और शनाख्ती कार्ड जमा करा लो, साथ में कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दो। ठीक है सर। सईद यासिर से पता करो, शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं तो जाए वारदात को सील। ओके सर। आइए।
हद से ज्यादा ज़हानत खतरनाक होती है, इस लड़के पे नजर रखनी चाहिए। और हाँ सर, डीएसपी साहब की फुल प्रूफ निगरानी होनी चाहिए होशियारी से, ताकि उनको भिनक भी ना पड़े। मगर डीपी साहब पर, डोंट फॉरगेट सईद खान, कानून से ऊंचा कोई भी नहीं, यहाँ तक के वो लोग भी जिन्होंने कानून बनाए हैं या तश्कील दिए हैं। कानून सबके लिए बराबर है, अंडरस्टैंड? यस सर। फर्क है, तुम भी वही सोच रही हो जो मैंने सोचा है। सर, दानिश को हिरासत में रखने वाली आपकी बात मुझे चाल लग रही है, बाकी बातें थाने। राइट। तुम्हें चमकी ने क्या कहा? सर, चमकी का नाम लेते ही मेरी आंखें चमकने लगती हैं। तुम्हारी आंखें या तो पैसे देख के या लड़कियां देख के चमकती हैं। और ये कैसी चमक है जिसका हकीकत में कोई हासिल नहीं? और दानिश का क्या करें सर? सर, दानिश को किसी सूरत में भी तफ्तीश से बाहर नहीं रखा जा सकता। इस केस के तमाम पहलू आप लोगों के सामने हैं, बस सिर्फ मुजरिम तक पहुंचने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इस केस की कोई छोटी से छोटी चीज भी आप लोगों की आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए। Is that clear? Right, sir. Right, sir. Good. शकोर, शकोर, शकोर। वालेकुम सलाम। आप मुझे बुला लिया? क्या बात है, बख्तारा और चमकी कहाँ है? कहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? मैं तो समझा बख्तारा ने बेगम साहिबा को बता दिया होगा। क्या बता दिया होगा? यही कि चमकी को बड़ी चौधरान के छोड़कर वो गांव जा रही है। अच्छा, चलो ठीक है। सलाम वालेकुम। आपका काम हो जाएगा, बस मेरा इनाम याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। डीएसपी, बड़े दिनों बाद आए हो, भूल गए हो तुम तो अपनी चौधराइन को। सब जानता हूं, ये तुम्हारा ही खेल है चौधराइन। ये मुझे फंसाने के लिए जो मेरे घर में ड्रामा चल रहा है ना, इसके हिदायतकार तुम ही हो। आय हाय, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, और मुझे क्या फायदा है सब चीजों का? तुम भूल गए हो शायद, तुम्हारी शादी और तुम्हारा प्रमोशन दोनों मैंने ही कराए थे। इसका भारी मुआवजा लेती रही हो तुम, कोई मुफ्त में एहसान नहीं किया तुमने मुझ पे। और हाँ, एक बात साफ साफ बता दूं तुमको, अगर उस लड़की की वजह से मैं फंसा ना तो क्या डीएसपी, बोलना तो तुम्हारी शराफत का सारा ठों खत्म हो जाएगा। मेरे साथ रगड़े में सब आएंगे, समझी? रगड़े में आएंगे। चमकी, ओ चमकी। जी, इधर आ। तूने वो मुहावरा नहीं सुना कि दीवारों के भी कान होते हैं? जा रक्षिंदा को जाके कह दे कि डीएसपी अब हमारे काम का नहीं रहा, और तू उसकी मदद के लिए आज रात वहीं रुक जाना।
समझ गई ना, चल जा। सर वो डीएसपी साहब। क्या डीएसपी, क्या हुआ सही? सर वो रिटायर्ड डीएसपी शफी मोहम्मद ने खुदकुशी कर ली। व्हाट, तुम्हें किसने बताया? सर मेरे छोड़े मुखबर ने, जो इस वक्त उनके घर के आसपास है। फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फॉरेंसिक वाले से रابطہ करो, पंचनामे का इंतजाम करो, मोबाइल निकालो, हम अभी चलते हैं। बेहतर सर। सर वाकियात और शवाहिद जंजीर की कड़ी की तरह एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। लेकिन अहम क्ल्यू अब तक हमारी दस्तरस से दूर। यासर जी, तमाम फिंगरप्रिंट्स और तमाम शवाहिद फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जल्द अज जल्द ऑफिस पहुंचाओ। सईद खान तुम यहीं रुको, फरा तुम मेरे साथ। इस घर से लेकर उस घर तक खून की एक ना मिटने वाली लकीर आवेजा होते दिखाई दे रही है। सर वाकियात और शवाहिद जंजीर की कड़ी की तरह एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। लेकिन अहम क्ल्यू अब तक हमारी दस्तरस से दूर। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। राइट सर। कुछ दिन तो सुकून से गुजर जाएं। अब क्या होगा, सब काम खत्म। नहीं, मुझे लगता है कि पुलिस को हम पर शक हो गया। हाँ, नाइस दैट। अपने शौहर के मरने का जश्न बना रही है रक्षंदा आंटी। जी जी, वो तुम लोगों का चादर और चार दीवारी का ख्याल नहीं है? किसी के घर में कैसे अंदर घुस आए? चादर और चार दीवारी की बातें तू कर रही है, वो भी चौधरी? वाह क्या बात है, चलो अरेस्ट करो उनको। तुम लोग मुझे शायद जानते नहीं, इसलिए तो आए कि तुझे अपने साथ लेके जाए ताकि जान पहचान हो जाए। चल चल। बहुत खूब मोहतरम जनाब दानिश साहब,
क्या आप बता सकते हैं कि रात को 2 बजे इस वक्त आप जाए वारदात पर क्या कर रहे हैं? वो सर मेरा कुछ सामान रह गया था। क्रिमिनोलॉजी और मेजर एक्ट्स में बाकी टेक्स्ट नहीं पढ़ा क्या? नेवर क्रॉस द पुलिस लाइन। सईद खान। जी सर। गिरफ्तार कर लो इसे। पर सर मेरी बात सुन। ये चल। मैं चल। ये चुहिया 2 दिन से भूखी है। अगर इस पाउच में तेरा हाथ डाल दूं तो सोच क्या होगा? जो पूछ रही है सच सच बता। नहीं नहीं, मैंने क्या किया? मुझे क्यों? चुहिया को कोई गर्ज नहीं है और ना ही इन्हें किसी बात की फिक्र है कि उन्हें 2 दिन बाद खाना मिल रहा है तो किस चीज का मिल रहा है। रुको रुको, मैं बताती हूँ। जब से वो लड़कियों वाला मसला हुआ, क्या बात है, आप यहीं बैठे हुए अभी तक सोए नहीं है और परेशान भी लग रहे हैं। अख्शंदा, मुझसे गुनाह सरजद हो गया। कुछ नहीं हुआ है, सब लोग खैरियत से हैं, आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं। किसी माँ की गोद उजाड़ कर जो गुनाह मुझसे सरजद हुआ है उसका इजाला तो सिर्फ मेरी मौत से ही मुमकिन है। आप ऐसी बातें नहीं करें, अभी जाएं और जाकर अपने कमरे में सो जाएं। तुम जाओ, सो जाओ, जाओ। फिर जब मैं सुबह उठी तो उसकी लाश पड़ी भी थी। अच्छी कोशिश है, बराबर झूठ बोल रही है। सच बता, वो चौधरी के साथ क्या कर रही थी वहां? वो मेरी माँ है। माँ? माँ तो बेटियों की इज्जत रखती है, ना कि उन्हें बेचती है। और चौधरी तेरी माँ? वाह, हम धंधा नहीं करते। ये धंधा नहीं है तो और क्या है? पहले डीएसपी के साथ शादी, फिर उसकी जायदाद और पेंशन को हड़पना और फिर उसे मरवा देना। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं बताती हूँ। अब मेरे शौहर के चमकी के साथ ताल्लुकात थे और बशीर चमकी का जज्बाती आशिक था। मेरे शोहर ने बशीर को बुलाया और बशीर को धमकाया, पर इस पर बशीर ने उनको कत्ल करने की धमकी दे दी। बशीर कुछ करता इससे पहले मेरे शोहर ने दानिश के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया और फिर उसको सुसाइड का नाम दे दिया। मगर इस कहानी में तुम कहाँ फिट होती हो मेरी जान? मुझे जो भी पता था वो मैंने सच ही बता दिया, मुझे और कुछ नहीं पता। सदके जाऊं मैं तेरे, तू बेकसूर नहीं, मासूम है। और तेरी इस मासूमियत पर हम कुर्बान जाएं ना जाएं, हमारे हाथ तेरी तरफ जरूर जाते हैं। शायद तुम अपने आप को बहुत ज्यादा तशद्दुद बर्दाश्त करने और कुछ भी ना बताने के लिए आमादा कर चुके हो, लेकिन तुम बेवकूफ। सदके जाऊं मैं तेरे, तू बेकसूर नहीं,
मासूम है और तेरी इस मासूमियत पर हम कुर्बान जाए ना जाए, हमारे हाथ तेरी तरफ जरूर जाते हैं। तू और बेकसूर है, बेकसूर लोग क्या करते फिरते हैं देखना चाहेगा? ये ले, देख देख। जंगल से कभी आजाद नहीं होगा। मेरे हीरो, तुमने अपनी चमकी को बचा ही लिया। कैसे ना बचाता अपनी चमकी को? चमकी तो मेरी जिंदगी का हासिल है। चमकी तो मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी की हिफाजत करना मैं बखूबी जानता हूँ। डीएसपी से बशीर की जिंदगी का सौदा और इनाम में 20 लाख रुपए। बशीर चला गया। तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई क्यों कर रहे हो? यकीनन इसलिए कि अच्छी नौकरी हो, बहुत सारा पैसा कमाकर घर का सहारा बन सको। हाँ ऐसा ही है कुछ, पर सर पैसा किसकी जरूरत नहीं है। और अगर यहीं बैठे बैठे तुम्हें एक काम के लिए 20 लाख रुपए कैश दिए जाए तो क्या तुम ये काम करोगे? हाँ ये काम की नियत पर डिपेंड करता है, पर कीमत से तो मालूम होता है कि किसी की जान लेनी है, पर ये काम किसी के कत्ल का भी हो सकता है। कत्ल नहीं, कत्ल के एक प्लान में एक छोटा सा किरदार अदा करने और हमेशा के लिए खामोश रहने का मुआवजा 20 लाख रुपए कैश। पर कत्ल किसका होगा? तुम्हारे दोस्त बशीर का। मैंने सारा प्लान तैयार कर लिया है, बस तुम्हें उसे अमली जामा पहनाना होगा। और ये कत्ल नहीं, खुदकशी होगी। तुम्हें सिर्फ बशीर की हैंडराइटिंग में एक खुदकशी नामा तहरीर करवाना होगा। अब तुम ये काम कर सकते हो या नहीं, ये तुम्हारा दर्द है सर। हाँ काम तो हो जाएगा, पर एक बात याद रखिएगा, अगर मुझे फंसाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं आपका नाम लूंगा। गुड, अकलमंद आदमी हो। यहाँ जो आदमी मौके से फायदा नहीं उठाता ना, वो हमेशा नीचे ही सड़ता रहता है। लाइए 20 लाख रुपए दीजिए, तो मैं भी तो देखूं इतनी बड़ी रकम कैसी होती है। बीस लाख रुपए मुआवजा यक मुश्त दे रहा हूं। एक बात याद रखना, काम एक दो दिन में हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, काम मुझे थोड़ी ना करना है। काम तो इस बोतल ने करना है, आज और अभी। गुड। वाओ दानिश, ये तो बहुत हैरतअंगेज प्लान था। नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। बड़े चुड़ैल ने तुम्हारे हाथ के बदले डीएसपी की मौत मांगी। हाँ ये मरहला थोड़ा सा
मुश्किल है, पर तुम्हारे लिए मैं आपका सपना भी पार कर सकता हूँ। मगर कैसे? बड़ी चुदराइन के कहने पर नक्षंदा को मैंने ही तरीका बताया कि डीएसपी को मारकर खुदकुशी कैसे जाहिर की जा सकती है। मैंने बशीर वाला फार्मूला आजमाया और नक्षंदा ने वही किया जो मैंने उससे बताया। वाह मेरे दानिश, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। अब तो खुश हो जाओ। हाँ पर आपको कैसे पता चला? शक तो हमें तुम पर पहले ही दिन से था। उसके बाद तू जहां जहां गया हम वहां वहां तेरे साये की तरह तेरे पीछे रहे। तुमने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है ना, इकोनॉमिक्स नहीं। एक गरीब घर का लड़का जो कि शहर में मुश्किल से अपने पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो, वो इम्पोर्टेड शराब कैसे पी सकता है? और इसके बाद हम मौके की तलाश में। कैसा मौका सर? तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत हासिल करने का मौका, और हम इसमें कामयाब हो गए। हाँ तो मिस्टर क्रिमिनोलॉजिस्ट, अब जिस सबूत को मैं तुम्हारे सामने पेश करने जा रहा हूं उसे तुम किसी भी सूरत में झुठला नहीं सकोगे। बड़ा सबूत ले आओ। राइट सर। चमके सोते उड़ गए? हाँ तो चमकी क्या बताओगी? सर इसका बयान तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, और रक्षंदे ने जो बयान दिया था वो झूठा था। उस रात को मैं चौधराइन के साथ थी और यानी तुमने मुझे धोखा दिया? धोखा? धोखा तो मुझे किस्मत ने दिया दानिश, बशीर को मुझसे छीन कर। तुमसे तो मैंने सिर्फ बदला लिया, सिर्फ बदला। तुम लोग कातिल हो बशीर के। तो मिस्टर क्रिमिनोलॉजिस्ट अब चमकी वादा माफ गवाह बन, और तेरा गेम अब खत्म हुआ। सईद खान। जी सर। इसका चालान तैयार करो और इसे कल अदालत में पेश करो। सच्चन पुलिस को इत्तला मिली कि रिटायर्ड डीएसपी के घर में मोहम्मद असलम ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने जाए वारदात से शराब की बोतल और चूहे मार दवा की खाली बोतल शवाहिद के तौर पर उठा ली। पुलिस अभी इस मुबैना खुदकुशी की गुत्थियां ही नहीं सुलझा पाई थी कि तीन दिन बाद रिटायर्ड डीएसपी गुलाम मुस्तफा ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शक की बुनियाद रखते हुए घर के मुलाजिम को जेरे तफ्तीश लिया, जिसने दौरान तफ्तीश एतराफ कर लिया उसी ने मोहम्मद असलम को डीएसपी के कहने पर कत्ल किया, जिसके उसको 20 लाख मिले, जबकि उसने 10 लाख के एवज
रिटायर्ड डीएसपी गुलाम मुस्तफा को उनकी बीवी के कहने पर चूहे मार दवाई पिलाकर कत्ल किया। पुलिस ने डीएसपी की बीवी को हिरासत में ले लिया।